नालायक बच्चों, इस चैप्टर में मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर वन, जिसका नाम है बेसिक, जहां पे हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। बेटा दोनों की बुक्स पे, इन दोनों की पहली बार मुलाकात कैसे हुई होगी? ओके, इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी जब ये पहली बार आपस में मिले थे। बेटा कब मिले होंगे, कहां मिले होंगे? ये मिले थे पहली बार जब इनकी आंखें, अरे जब एक को सामान खरीदना था और एक को सामान बेचना था। बेटा बेसिक नंबर वन, सेल एंड परचेज। बेटा बताओ कौन सेल करता है, कौन परचेज करता है? ड्रॉ सेल करता है बेटा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल। अब बताओ ड्रॉई क्या एंट्री रहेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अरे टू ड्रॉअर। जनाब पहली एंट्री तो हो गई, अब दोनों की मुलाकात तो हो गई, अब ड्रॉई मना करेगा, नहीं, अभी नहीं। अब वो मना कर रहा है कि नहीं अभी नहीं, किस चीज के लिए? पैसा देने से। तो वो बदले में क्या देगा पैसों की जगह? यस, अब यहां पे लिखो बेटा, एक्सचेंज ऑफ बिल्स इंस्टेड ऑफ, अरे इंस्टेड ऑफ पेमेंट, इंस्टेड ऑफ पेमेंट। कायदे से जब पहली मुलाकात होती है उसके बाद लेन देन होता है पैसों का, लेकिन यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक दूसरे को दे रहे हैं। बताओ बिल्स कौन बनाएगा, ड्रॉयर बनाएगा। बना के वो किसको देगा, ड्रॉई को देगा। ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आई मीन साइन कर देगा, और साइन करने के बाद वापस किसको दे देगा, ड्रॉयर को। तो ड्रॉयर के पास बिल्स आ जाएगा और ड्रॉई से बिल चला जाएगा। तो ड्रॉयर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? क्या बात है बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ये क्या एंट्री करेगा है? ओ तेरी, ये बीपी मैडम, ब्लड प्रेशर। ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बताओ जनाब समझ में आया या नहीं आया, गधे नालायक घोड़े बच्चों, गधे नालायक घोड़े बच्चों, बोलो समझ में आया क्या? पक्का? अब क्या होगा, अब इंतजार होगा किस चीज का है? मैच्योरिटी का। अब इंतजार होगा और आज आ गई है वो इंतजार की घड़ी खत्म होने को। अब क्या होगा, कौन? अब पैसे मिलेंगे, इंतजार खत्म। लो सर मैच्योरिटी एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे क्या होगा, ड्रॉई पेमेंट कर देगा, ड्रॉ पेमेंट ले लेगा। बेटा डन सर, देखते हैं सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ये क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ किससे पैसा गया और किसके पास आ गया? होना भी यही था। चलो सर, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर।
चलो नलायक बच्चों अभी देखना ऑप्शन कंसेप्ट नंबर टू, जहां पे ड्रॉअर के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। बेटा क्या मतलब है ऑप्शन का? ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको पता है कि पहले बायर और सेलर का मिलन हुआ, आंखें मिली, उन दोनों ने एक दूसरे को गुड्स बेच दिए। अब क्योंकि बायर चाहता था, सॉरी सेलर चाहता था कि मुझे क्या मिल जाए, पैसे, लेकिन वो क्या दे के चला गया, भरोसा कि मैं मिलने आऊंगा, कब, 3 महीने बाद। लेकिन इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, 3 महीने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा, ये क्या करेगा? इसके पास क्या ऑप्शन है? पहला, ये बिल को लेके कहाँ जाए, बैंक के पास जाए, और बैंक को क्या बोले, बैंक ये तुम रख लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। तो बैंक कहता, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैं तुमको ऐसे पैसे नहीं दूंगा, बिल में लिखे हुए 1 लाख, और ये पैसा मिलेगा 3 महीने बाद, मैं तुमको 90,000 रुपये दूंगा, बोलो चाहिए तो हाँ नहीं तो 3 महीने बाद। तो आपको क्या लगता है, ड्रॉअर मानेगा कि नहीं मानेगा? मान जाएगा, भाई 3 महीने बाद मिलने पैसे की जरूरत आज है, वो मान गया बेटा। सबसे पहले ऑप्शन बेटा नंबर वन लिखो बेटा, नहीं लूंगा, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग विद बैंक। अब जब वो बैंक के साथ डिस्काउंट करा रहा है, तो बिल जो उसके पास था, क्या वो अब उसके पास रहेगा कि बैंक ले लेगा? बैंक ले लेगा, बदले में बैंक क्या देगा, पैसे, लेकिन ज्यादा कि कम? कम। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, बताता हूं ना बेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी कहानी समझोगे तो समझ में आएगा। मान लेते हैं कि बिल था 1 लाख रुपए का, बैंक ने बोला चाहिए तो मैं तुमको 90,000 देंगे, तो मुझे डिस्काउंट कितना देना पड़ गया या मेरा नुकसान कितना हो गया, 10,000 का। अब मुझे बताओ उस ड्रॉई के पास पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। कब जाएगा? 3 महीने बाद। तो ये 10,000 का फायदा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा, होगी बात खत्म। लेकिन आज जब ड्रॉअर इसको बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है, तो क्या उस समय ड्रॉई अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा? नहीं करेगा। ड्रॉई कहेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एंट्री कब करूंगा, 3 महीने बाद जब पेमेंट देना होगा। चलो सर, और कौन से ऑप्शन अवेलेबल है इसके पास, इंडोर्स कर दे बेटा। दूसरा लिखो, इंडोर्समेंट। कशिका का सवाल पेंडिंग है, मैं लूंगा मैडम, ठीक, अभी टाइम आने दो, उसके बाद लूंगा, ठीक। अच्छा, इंडोर्समेंट बेटा, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट में क्या होता है, फिर से मैं अपना बिल किसको दे दूंगा, किसी और को, वो जो मुझे पेमेंट के लिए तंग कर रहा है। अरे मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ ना, अभी अनुष्का के पापा के साथ मेरी कोई डील हो रही थी बेटा, ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा सामान ला दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। डन, मैंने सामान ला दिया, मैंने मांगा पैसे, तो कहते पैसे आने वाले हैं पीछे से। मैं कहा यार अजीब आदमी हूँ, आपने बोला सामान ला दो पैसे दे दूंगा, कहते नहीं आपसे सामान ला के मुझे किसी और को सामान देना है, तो वो पैसे देगा तब मैं आपको दूंगा। मैंने कहा वो क्यों देगा आपको पैसे, कहते नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा। मैं कहा उसने भी अगर आपकी तरह मुझे बोल दिया तो, जैसे आप मुझे बोल रहे हो वो भी आपको बोल देगा, तो कहता फिर मैं भी आपका कैसे बोल दूंगा। कहानी समझो, ये चेंज चल रही है बेटा, डन। इसका मतलब मैं एज अ सेलर खुद भी उधार खरीद के लाया हूँ और आगे भी उधार में बेच रहा हूँ। उसने मुझे बिल दिया और ये वाला बिल मैंने उसको दे दिया, डन। चलो सर, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयर तो हमेशा ड्रॉ ही रहेगा बेटा। आपके पापा बीच में खड़े, ध्यान से समझना बेटा, अभी बच्ची चाह रही थी इसको सिखाई देते हैं। आपके पापा बीच में खड़े हैं, डन। आपके पापा कोई सामान बेचते हैं, मैंने उनसे खरीदा, आपके पापा मेरे से कहते प्रसन्नजीत पैसे, मैंने कहा सर बिल ले लो, मैंने बिल दे दिया। अब पापा के पास सामान आया कहाँ से, बनाते तो है नहीं वो, तो पता चला वो भी किसी और से खरीद के लेके आए थे। अब उन्होंने सामान खरीद के मुझे बेच दिया, मैंने तो पैसे दिए नहीं, मैंने बिल दे दिया। अब वो आदमी आपके पापा के पास आ गया, कहता भाई साहब पैसे, पापा ने मेरा वाला बिल उनको दे दिया, डन। तो बिल वहां से निकल के यहाँ पहुंच गया, सामान वहां से निकल के यहाँ पहुंच गया, तो आपके पापा बीच में कर क्या गए, अरे कर क्या गए, ही इज ट्रेडर। और ट्रेडर आदमी को पता होता है कि अगर मैं इसको इसको मिलवा दूंगा ना, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो कभी भी इसको इससे मिलने नहीं देगा, और मिलने नहीं देगा तो क्या होगा, बीच में मुनाफा काट लेंगे बेटा। यही होता है इंटरमीडिएट, बीच वाला, बिचौलिया, दलाल।
और ये बहुत पैसे कमाता है बेटा, बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, और बिना कुछ किए सिर्फ दिमाग का यूज कर रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का यूज कर रहा है। अमेजोन कौन है? दलाल है। वो बीच में ही तो खड़ा है, किसके? कस्टमर और सेलर के, और बीच में मोटा मुनाफा काट रहा है बेटा। डन, आपको भी क्या बनना है? हट, आपको बनना है बिजनेसमैन। डन, चलो सर CAS आओ सर। तो ये यहां पे क्या एंट्री करेगा? इंडोसी, इंडोसी उसका नाम लिखेगा जिसको बिल दे रहा है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मुझे एक बार फिर से सोच के बताओ, ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? कुछ भी नहीं। और ऑप्शन सोच के बताओ, इसके पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल है? डिसऑनर ऑप्शन होता है, मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, दिस ऑप्शन आई हैव। अजीब आदमी, तुम गुलाब लेके गए हो इसलिए कि ताकि वो तुमको रिजेक्ट कर दे, ये ऑप्शन है मैडम, ये मौत है। मुझे बताओ और क्या ऑप्शन उसके पास अवेलेबल? थर्ड ऑप्शन उसके पास है, वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, बहुत बड़ा इंटरमीडिएट है, उसके पास बहुत सारे बिल आते हैं। वो कितने बिल्स को याद रखेगा यार, कि कल उससे पेमेंट लेंगे परसों? वो याद ही नहीं रखता। वो बिल को कहां भेज देता है? बैंक के पास, क्योंकि बैंक आपको एजेंसी फंक्शन भी देता है, एज अ एजेंट काम करता है बैंक आपके लिए। तो वो उसको कह देगा कि तुम मेरे बिहाफ में पेमेंट कलेक्ट कर लेना। डन, उसको क्या बोला जाता है बेटा? देखो, बिल सेंट टू बैंक फॉर, अरे बोलो, फॉर कलेक्शन। अब एंट्री क्या होती है बेटा? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? सर, उसके पास एक ऑप्शन, उसको मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट वन में एक ऑप्शन क्या था, कि भैया बिल तुम अपने पास रखो, कब तक? मेच्योरिटी तक। और यहां पे क्या ऑप्शन है बेटा? कि आप या तो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लो, या इंडोर्स कर दो, या फिर बैंक के पास भेज दो कलेक्शन के लिए। अब सवाल है कि मैच्योरिटी पे अगर बिल मेरे पास है, ड्रॉयर के पास है, तो ड्रॉई पैसे किसको देगा? ड्रॉयर को। लेकिन अगर बिल बैंक के पास है तो पैसे किसको देगा? बैंक को। बिल अगर इंडोसी के पास है, पैसे किसको देगा? और थर्ड, कलेक्शन के लिए बैंक के पास है तो भी वो पैसे किसको देगा? बैंक को, कि कलेक्शन के लिए। डन, तो इसका मतलब चाहे कोई सा भी केस हो, ड्रॉई एक ही एंट्री पास करता है। कब? मैच्योरिटी पे, ऑन मैच्योरिटी बेटा, ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी पे क्या एंट्री होगी बेटा? अब ये गधा कोई एंट्री नहीं करेगा, एंट्री कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। क्या बोलो, क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो जनाब, कैसा लगा? नलायक गधे बच्चों, कैसा लगा? सर, अब आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अरे सर सच्ची? हाँ बेटा, हाँ जी बच्चे, खत्म हो गया बेटा। अब हम इलस्ट्रेशन कर सकते हैं बेटा, ये कंसेप्ट का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। चलो सर, बाय बाय।